There are thin rectangulars. A thin rectangular metallic strip of constant current I flow along the positive x direction, as shown in the figure. The length, width, and thickness of the strip are L, W, and D. A uniform magnetic field B applied on this strip along the positive y direction. Positive y direction में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. ड्यू टू दिस द चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस अ नेट नेट डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस. एक्सपीरियंस अ नेट क्या लिखा हुआ जी. ड्यू टू दिस अ चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस्ड अ नेट डिफ्लेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन. ठीक है, वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मान लो कैरियर इलेक्ट्रॉन इधर भाग, इलेक्ट्रॉन उल्टा भाग रहे हैं ऐसे, फोर्स इधर लिखा होगा क्यू वी क्रॉस वी. तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे तो वी क्रॉस वी, तो हम इधर आ, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो इधर आ जाएगा. ठीक है, द रिजल्टिंग एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑन द सर्फेस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एंड अपेरेंस ऑफ इक्वल अपोजिट चार्जेस ऑन द फेस, मतलब इधर निगेटिव चार्ज अपेयर करेंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज अपेयर करेंगे. और पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग दियर डायरेक्शन इज थस डेवलप. द चार्ज एक्यूमुलेशन कंटिन्यूसली अंटिल द मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाई द इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, द करेंट इन एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप पे के सरफेस पे करंट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड. फोर्थ पार्ट, द करंट यूनिफॉर्म द स्ट्रिप्स एंड कैरिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स. कंसीडर टू डिफरेंट मेटलिक स्ट्रिप एस वन एंड वन एंड टू ऑफ द सेम मटेरियल. देयर लेंथ आर द सेम, विड्थ आर डब्ल्यू डब्ल्यू टू, थिकनेस आर डब्ल्यू डी टू. The two points K and M are symmetrically located on the opposite side of the parallel to the x-axis. XY plane is XY plane ke diametrically opposite. Two point K and M are symmetrically located on the opposite face. यहाँ पे अच्छा ठीक है, K and M ठीक दिख रहा है. One and two. Then the given current I flowing them in given by magnetic field strength B. The correct option is W1 or W2. इतना B2. अच्छा B2 ये पोटेंशियल है. तो मुझे बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ये विड्थ डी है और चार्जेस सिर्फ इस प्लेट में, इधर नेगेटिव. क्या इसमें ऐसा रिलेशन नहीं है क्या कि ये जो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होगा तभी जाके इधर के इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर रहा है. तो अगर यहाँ की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और यहाँ की माइनस सिग्मा है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट. ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बी. इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है डब्लू. ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज बी1. और इक्विलिब्रियम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए दैट शुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू इंटू ई इज बैलेंस बाई मैग्नेटिक फोर्स क्यू बी क्रॉस बी. बी जो होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें वी टू वी वन क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना. पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करेंगे इस करंट के वैल्यू पे. इस करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगी करंट की वैल्यू कितनी. अगर ये टोटल करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है तो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट स्पीड का आई बराबर एन चार्ज कैरियर डेंसिटी. सेम रहेगा एन इस एन तो सबके लिए सेम रहना चाहिए. मटेरियल अगर सेम है तो डिफरेंट मेटेलिक स्ट्रिप सेम मटेरियल है सेम मटेरियल तो एन सेम रहेगा. एन ई ए एरिया ये बनेगा दैट इज डब्ल्यू अपॉन डी एन ई ए
डब्ल्यू डी एन ई ए एन ई ए भी डी ड्रिफ्ट स्पीड भी डी। अब भी डी जो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई अपान एन ई डब्ल्यू डी ये लिख सकता हूँ। ये क्या होता है क्यू भी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड बी सेम। अब देखो सिग्मा अपान ई से ई कटेगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी दिस इज आई बी अपान, तो भी वन जो बनेगा भी वन इज नथिंग डब भी वन, ये जो भी वन है पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट जो कि ये है आई बी अपान एन ई डी एन ई डी आई बी डब्ल्यू तो कैंसिल हो जाएगा तो भी वन ये बनेगा। अब पोटेंशियल देखो पहली पार्ट्स ए पार्ट क्या है डब्ल्यू वन बराबर डब्ल्यू टू कोई फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू वन में कुछ भी रिलेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी वन बराबर टू डी टू। तो अगर वी टू पोटेंशियल बढ़ाना है तो डी को कम करना पड़ेगा ना, तो ये बताओ मुझे किस में होल्ड करेगा, डब्ल्यू से कोई मतलब ही नहीं सिर्फ डी से मतलब है, तो डी वन पर टू डी रखोगे अगर इसके पे ट्वाइस करोगे तो वी वन हाफ हो जाएगा ना, वी वन कम हो जाएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब ए पार्ट होल्ड करेगा बी पार्ट, इससे कोई मतलब नहीं है, डी वन अगर टू डी टू कर दिए बी पार्ट गलत हो जाएगा क्योंकि वी टू बराबर टू वी वन आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये इक्वेशंस अगर होल्ड करेगा ये होल्ड नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर ये होल्ड कर गया ये इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। बस समझ में आया मतलब डब्ल्यू पोटेंशियल डिफरेंस में है ही नहीं तो सिर्फ डी से ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डी अगर बराबर हो गया तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, डी बराबर नहीं तो पोटेंशियल अनइक्वल रहेगा, डब्ल्यू कुछ भी है। ठीक है yes, के बाद